दोस्तों अब ये बात आ जाती है जी हैरो की, जो हुक है, कोई हिच बोल देता है, कोई हुक बोल देता है, ये वो है जी। यहाँ अंदर पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ किस तरह की है। इसके ऊपर आपको नंबर वगैरह सारे मिल जाएंगे, और ये सिस्टम है जी इसका जो है एडजस्टिंग का, ये है छोटी सी टॉपलिंग जैसे बना हुआ दोस्तों। ये बड़े आराम से आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं आपको साइड से दिखा दूँ, ये देखो जी इस तरह का सिस्टम है। मतलब कहने का जी सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी मजबूत हैं। आगे से दिखा देता हूँ एक बार हुक कैसी है, ये देख लो जी, ठीक है। बाकी दोस्तों अपनी अपनी पसंद है, किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड रुद्रपुर से। तो हमारे यहाँ पर जग्गी कंपनी की जो हैरो हैं ये बहुत कम मिलती हैं। तो दोस्तों इसलिए आज मेरे को कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे को ये वाली हैरो जो है वो मिल नहीं पाती यहाँ पर, तो ये हैरो जो है ये कहाँ से मिलेंगी, हमें इसका बताओ। तो दोस्तों आज ढूंढते ढूंढते मैं आ चुका हूँ बाजपुर उत्तराखंड में, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे को जग्गी की जो हैरो है इसमें कौन कौन से फीचर दूसरी हैरो से अलग मिल जाते हैं, और कितने रेट में हमारे को ये हैरो पड़ जाती है। तो दोस्तों शुरू करेंगे सामने से। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ज़्यादातर हैरो में जो हुक होती है, हिच होती है, वो यहाँ लगती है सेंटर में। इस हैरो में वो चीज़ नहीं है, दोनों तरफ से बराबर हिच जो है वो ऐसे करके आगे से लग जाती है, जिससे क्या होता है ट्रैक्टर की अलाइनमेंट हैरो की बिल्कुल सेट चलती है। और अलाइनमेंट को एक ही लाइन में हैरो को चलाने के लिए इसमें एक स्प्रिंग और एक बैलेंस, दोस्तों स्प्रिंग के साथ एक बैलेंसिंग रॉड दे दी गई है इसमें, ये भी इसमें हुक में फिट हो जाती है, जिससे स्प्रिंग से इसकी जो एडजस्टमेंट है वो साथ के साथ आगे पीछे होती रहती है, जिससे क्या हैरो का बैलेंस जो है वो ख़राब नहीं होता और बिल्कुल सही जुताई जो आपके खेत में सारी दोनों तरफ से बराबर चलती रहती है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको ये हैरो का जो है सिस्टम है ये साइड से एक एक जो इसकी है जो डिस्क है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, मैं उधर वाली दिखाता हूँ आपको, सेम ही हैरो है बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसकी जो एक एक हैरो की जो डिस्क है वो बाहर निकाल दी गई है, जैसे कि वो भी फ्रेम से बाहर है। इसका एक तो ये फ़ायदा रहता है कि आपकी जो मेड़ वगैरह वो पूरी बढ़िया करके जो है वो साफ़ हो जाती है, और आपकी जो डिस्क है वो बाहर किसी चीज़ से टकराए ना, इसके लिए ये साइड में सपोर्ट फ्रेम जैसे वो भी दे दी गई है, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर दोस्तों हमारे को दो अडाप्टर दिखाई देते हैं जो कि हमारे ट्रैक्टर में फिट हो जाते हैं, जिससे हमारी जो हैरो है वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठे बैठे ही खुल जाती है, ऊपर बैठे बैठे ही बंद हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आम हैरो जो होती हैं, कई हैरो उनमें सिर्फ जो है वो जैक लगा होता है, जिस पे जैक के ऊपर लोड भी आता है, पाइप फटने का खतरा भी रहता है, कई दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस हैरो में हाइड्रोलिक जैक के साथ साथ आपको पूरा सिस्टम जो पुराना वाला होता है किल्ली वाला वो भी मिल जाता है। अगर आपने जहाँ एक बार हैरो सेट करनी वहाँ पे करके पिन डाल दो, जैक बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आपकी हैरो जो है वो सालों साल सही चलती रहेगी। अगर आप उसमें पिन नहीं डालोगे, यहाँ ये सिस्टम ज़्यादातर होता ही नहीं, अगर ना हुआ तब भी आपको दिक्कत आ जाएगी हैरो में, उसमें कोई नुकसान हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बैलेंसिंग रोड के बारे में बता दिया। अब यहाँ आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप एक बार ये देख लो जी इधर का सिस्टम जो है, यहाँ भी बाहर हमारा कोई पेड़ वगैरह टकराए ना, कोई चीज़ टकराए ना, ये भी फ्रेम लगा दिया, और यहाँ पर हमारी एक डिस्क जो है ये इधर से भी बाहर आ गई और एक डिस्क जो है वो उधर से भी बाहर आ जाती है। रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से आपको, रजिस्टर्ड जो नंबर वगैरह वो यहाँ पर आपको लिखे मिल जाते हैं, ताकि आपको जो छूट वगैरह अगर आपकी लेनी हो अगर आपने, तो वो छूट भी आपको आराम से मिल जाए। दोस्तों ये अगर छूट की बात करें तो छूट हमारे जो भाई की जो फर्म है इस पे छूट आपको अवेलेबल है, छूट मिल जाएगी, लेकिन वो आएगी आपके खाते में, लेकिन पहले आपको छूट जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं मिलेगी, जो भी आएगी वो आपके खाते में आएगी बाद में, ठीक है।
अब ये जो चीज़ है दोस्तों, ये क्या है? ये है जो यहाँ से अगर हम एडजस्ट करते हैं तो जो ये चीज़ है, ये डिस्क से ये चीज़ जो है ये दूर करने के लिए, अगर आपकी मिट्टी गीली है या बार बार यहाँ फंस रही है तो आप इसको थोड़ा सा दूर भी कर सकते हो और पास भी कर सकते हो। और ये देखो जी, ये जो कट बना है इससे आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो और इधर उधर भी कर सकते हो। और दोस्तों इस हैरो में जो मेन चीज़ है, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, जिससे मिट्टी ज़्यादातर चिपकती नहीं है, वो ये है। और आपने हैरो देखी होंगी, वो यहाँ से ऐसे गुल्ला सा बना होता है ऐसे करके, और ये चीज़ होती है बिल्कुल सीधी जिसमें मिट्टी चिपक जाती है। इसका ये देखो जी, ऐसे करके ये बना हुआ है, ऐसे बीच में से थोड़ा सा नीचे को जा रहा है, जिससे क्या रहता, मिट्टी जल्दी करके चिपकती नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात हैरो की तारीफ़ करने की नहीं है, बात ये है कि फीचर कौन कौन से हैं वो बताने की है। कुछ हमारे भाई कहते हैं कि भाई तुम तारीफ़ कर देते हो जी चीज़ की, तारीफ़ करने वाली बात नहीं होती दोस्तों, बात ये होती है कि फ़ीचर असल में इसमें हैं क्या क्या, वो बताने वाली होती है कि आने वाले समय में आपको जो है पहले से ही पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें मशीन में हैरो में आती हैं, या कोई भी मशीन जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि आने वाले समय में आप चीज़ खरीद लो और उसके बाद आपको दिक्कत परेशानी ना आए। वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद यही होता है कि आपको चीज़ खरीदने से पहले ही पता चल जाए कि आपने जो चीज़ ली है या जो ले रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फ़ीचर हैं। और यही सेम चीज़ जैसे आगे मैंने दिखाई इसमें भी है, इसको भी आगे पीछे आप करके इसको भी पास या दूर कर सकते हो। और पाइप वगैरह यहाँ जा रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया कंपनी के जो पाइप इसमें एलुमिनियम के लगा दिए गए हैं, 10-10 की हैरो हैं दोस्तों। ठीक है, और पीछे का हिस्सा चेक कर लेते हैं, इस तरह का हिस्सा आपको जो है वो पीछे से मिल जाता है, यहाँ से आप चेक कर लो जी सिस्टम जो है वो इसका। ठीक है, और दोस्तों बात जो है वो आ जाती है, अगर आप डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कंपनी से तो यहाँ से कर सकते हैं, रिफ्रैक्टर वगैरह भी लगे हुए हैं। और दोस्तों बात आ जाती है अब हैरो के प्राइस की, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कि ये चलती कौन कौन से ट्रैक्टर से है। दोस्तों अगर आपका ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव में है तो लगभग 60 HP, अगर आपका ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव में है तो 50 से 55 HP का ट्रैक्टर भी हैरो को बड़े आराम से चला लेता है। दोस्तों बात करेंगे प्राइस के बारे में, प्राइस है इसका 1,80,000 रुपये हमारे यहाँ उत्तराखंड में। पंजाब में प्राइस थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बाकी आप अगर यहाँ पे लेने आएंगे तो हो सकता है आपको भी थोड़ा बहुत कम कर दें भाई, बाकी छूट जो है वो भी आपकी इस हैरो पे हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आने वाले समय में आप कौन कौन सी चीज़ की वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके बता देना, वीडियो कैसी लगी तब भी कमेंट करके बता देना। और दोस्तों अगर कोई कमी रह जाती है, मेरे से कोई चीज़ छूट जाती है, तब भी कमेंट करके बता दिया करो। वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।